देखो वीडियो वीडियो दे वीडियो दे पानी देखिए ये कितना इसके पूरे देश को पूरा कमजोर कर रहा, कोई सुने नहीं हमारी बात को। आखिरकार अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी है, ये तमाम बिल्डिंग का इंशाल्लाह ताला तकमील कांग्रेस गवर्नमेंट में इसकी शुरुआत हुई, जमीन खरीदी गई जिसमें जनाब शब्बीर अली साहब, जनाब फरीदुद्दीन साहब मरहूम, इनके बहुत ही काविशें रही। आज हम सब मिलके हमारे सीनियर्स से इंशाल्लाह इसकी तामीर के लिए, इसकी तकमील के लिए काम करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसके जल्द से जल्द तकमील हो जाए और इसका इससे होने वाली आमदनी गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं में और जो जो भी इंशाल्लाह कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए इसकी महाना किराया आ सकता। दुआ कीजिए, ऐसे कई प्रॉपर्टीज है इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे गरीबों के लिए और वक्त के तहफ्फुज़ के लिए, वक्त की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। केसीआर ने जो मुसलमानों से धोखा दिया और मुसलमानों से जो हथेली में जन्नत दिखाया था उसका पहला पोस्टमार्टम ये बिल्डिंग है, गार्डन व्यू वक्फ कॉम्प्लेक्स, जिसको जनाब वाईएस राशिद रेड्डी साहब के दौर में जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने, जनाब फरीदुद्दीन साहब, उन सब ने हमारी गवर्नमेंट में ये 2009 में ये सिंगल बुनियाद रखा, इसकी तामीर की तकरीबन 67 करोड़ रुपए से। और आप देखिए ये जितनी तामीरात जो हो चुकी है, ये जितनी तामीर हुई है कांग्रेस दौरे हुकूमत में हुई, और किस तरह मुसलमानों से धोखा दिया केसीआर, ये सामने है मुसलमानों के। हमने बारहा एहतजाज किए, बारहा अरेस्टिंग दी इसके ताल्लुक से कि इसके सेलर में कई फीट पानी जमा है जिसकी वजह से इसका फाउंडेशन कमजोर हो रहा है, इसका नीचे का बेसमेंट पूरा कमजोर हो रहा है। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी तकरीबन 8 साल से हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि इसकी तामीर को तकमील किया जाए और इसको रेंट पर दिया जाए किसी को भी। आज तक खाली वादों के अलावा कुछ भी नहीं किए और इसको बर्बाद करने का सबब केसीआर और उनके तमाम महमूद अली साहब भी आके दौरा करके खाली देख लेके गए। इलेक्शन से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले दोबारा वह अगर कुछ केसीआर किया मुसलमानों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे फाउंडेशन लगाया, आप आगे चल के देख सकते। और 23 करोड़ रुपए का ये जियो जारी किया उसने, ये 5 अक्टूबर 2023 ये जियो जारी किया और ये जियो देख सकते आप 23 करोड़ रुपए से की लागत से उसकी तकमील होंगी। आप बताइए, देखिए किस तरह से मुसलमानों के साथ धोखा दिया गया। तो धोखेबाजों के खिलाफ हम मुसलसिल जद्दोजहद करते रहे और मुसलमानों को बेदार करते रहे। अल्लाह का फजल है कि तमाम मुसलमान दलित SC ST BC सबके साथ धोखा दिया, उसका खिलाफ जो अवामी बगावत शुरू हुई वो उसका नतीजा आज अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट दोबारा इख्तदार में आ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस दौर इख्तदार में इसकी शुरुआत हुई और इंशाअल्लाह तकमील भी इंशाअल्लाह ताला ये कांग्रेस के ही दौर हुकूमत में तकमील होगी। और मैं तमाम लोगों से जो उनके साथ जुड़े हुए आज भी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, छोड़िए उन लोगों को,